जय श्री राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम नाउन पढ़ेंगे, नाउन के तो आज की वीडियो में हम कल नाउन डिस्कस कर चुके थे। नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, जिस जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है वो उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है और वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, हम नाउन के काइंड्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से नाउन के काइंड्स होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और एक नाउन और इंक्लूड होता है इसमें, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ प्रॉपर और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता है, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है, इनके सारे डिफरेंस बच्चों को बिल्कुल बेसिक से हम बिल्कुल क्लियर करा के चलेंगे और वो उनका जो लेवल है बिल्कुल बिल्कुल जीरो से ऊपर लेके जाना है हमको। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा और कॉमन नाउन क्या होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा एंड प्रॉपर नाउन क्या होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। पहले देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, जो पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, मतलब पूरी क्लास के बारे में आपको बताएगा कॉमन नाउन। एंड प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्टिकुलर एनिमल के बारे में वो आपको बताएगा। जैसे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग होता है ना, ऐसे कॉमन नाउन तो पूरी क्लास को डिनोट करेगा। लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन है वो एक किसी पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर पर्सन या फिर आप कह सकते हो पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करेगा, वो आपका होगा प्रॉपर नाउन। अब वो देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने जैसे बॉय, बॉय क्या है, लड़का है। लेकिन ये लड़के तो बहुत बहुत है पूरी, अगर आप देखोगे तो जो भी आप नजर उठा के देखोगे बॉय आपको दिख जाएगा, या फिर गर्ल आप कह सकते हो गर्ल। तो बॉय और एंड गर्ल ये एक क्या है, पूरी क्लास को डिनोट कर रहे हैं। इट मींस जितने भी बॉय हैं वो सारे बॉय कहलाएंगे और जितनी भी गर्ल है वो सारे गर्ल ही कहलाएंगे, कुछ और तो नहीं बोलेंगे ना उनको, तो बॉय एंड गर्ल। लेकिन अगर हमने इस बॉय को एक नाम दे दिया, जैसे कि हम कुछ भी इसको एक नाम दे सकते हैं, हमने एक नाम दे दिया राम, ठीक है। अब यहाँ पे बॉय का नाम क्या हो गया, राम। गर्ल का नाम भी दे देते हैं हम एक नित्या, गर्ल का नाम हमने दे दिया नित्या, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब हम अब सपोज करो कि यहाँ पे 10 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, 10 लोग एक साथ खड़े हुए हैं और तो आपको उसमें से किसी एक पर्सन को आपको बुलाना है किसी हेल्प के लिए, तो आप किसको बुलाओगे। आप किसी को भी बोल सकते हो ना कि आप प्लीज जितने भी वहां पे खड़े हुए हैं कि एक पर्सन यहाँ पे आ जाओ, तो वो क्या है, आप किसमें से बुलाओगे, आप कॉमन नाउन को बुलाओगे। किसको बुलाओगे, कॉमन, आप ये बुलाओगे ना किसी एक भी पर्सन को आप बुलाओगे। लेकिन अगर आपने उन 10 में से किसी एक का नाम लेके अगर आप बुला रहे हो, सपोज आप वहां पे 10 गर्ल्स खड़ी हुई है और मैं आपको बोलूं कि भाई नित्या इधर आओ, तो वहां पे 10 गर्ल्स में से कौन आएगा, ओनली नित्या वहां पे मेरे पास आएगी। क्योंकि कहने का मतलब है कि मैंने उसको नाम लेके बुलाया, मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को बुलाया, ना कि मैंने किसी कॉमन गर्ल को बुलाया, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके बुलाया है तो वो मेरे पास आएगी। ऐसे देख लेते हैं सिटी, सिटी तो बहुत होती है, सिटी तो बहुत होती है, लेकिन अगर उस सिटी का नाम हम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमने दिल्ली दे दिया, तो दिल्ली क्या है, एक नाम है, क्योंकि आप दिल्ली को आगरा तो नहीं बोल सकते ना, दिल्ली को दिल्ली ही बोलोगे, दिल्ली में जाओगे तो आगरा तो नहीं पहुंचोगे, आप दिल्ली में ही पहुंचोगे। तो कहने का मतलब ये है कि तो सिटी तो बहुत सारी है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नेम दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक वो। तो यहाँ पे ये सिटी क्या है, एक प्लेस, जगह का नाम है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, आप इसको बोल सकते हो पेन, मार्कर, पेंसिल, ये सब हमारे कौन से नाउन में आते हैं। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये सब पेन, पेंसिल, ये सब वो प्रॉपर नाउन में इंक्लूड करते हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी प्रॉपर नाउन में नहीं होते। ये सब हमारे क्या होते हैं, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, कुछ भी हुआ, ये सब हमारे कॉमन नाउन में आएंगे। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा पेंसिल भी, पेन भी,
एक उनकी एक ब्रांड होती है ना, होती है ना। तो जैसे कि मैंने पेन पेन लिया, अब पेन पेन किसका हो गया, बहुत सारी ब्रांड है जैसे कि अपने अपने नाम से पेन चलते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कोई भी नाम, अभी फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कोई भी। एक फाइन ग्रिप पेन आता था जो कि मुझे बहुत पसंद था अपने टाइम में, तो एक फाइन ग्रिप का नाम से आता था, तो वो उसका एक नाम दे दिया ना, पेन को भी एक नाम दे दिया। या आप कह सकते हो रिनोल्ड, रिनोल्ड भी एक बहुत अच्छा पेन था, रिनोल्ड है ना, तो रिनोल्ड आपने उसको एक नाम दे दिया। यहाँ पे उसको हमने एक प्रॉपर नाउन बना दिया, इस पेन का एक हमने नाम बना दिया। अच्छा, ये जो आप फैन देखते हो, फैन क्या है, फैन पूरी क्लास को डिनोट करेगा। जैसे कि फैन मतलब पंखा, आप बोल सकते हो फैन हमारे पंखा होता है ना। अब लेकिन हमने वो, ये कॉमन नाउन है, बहुत सारे ब्रांड के फैन अवेलेबल होते हैं मार्केट में, होते हैं ना, सबका एक पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे कि एक उषा का फैन होता है और बहुत सारे होते हैं, मैं मेरे घर में उषा का लगा हुआ था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको, ये मैं आपको ये कहने का मतलब ये है कि फैन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कॉमन नाउन को डिनोट करता है। इट मीन्स इसमें सारे फैन आ जाएंगे, जितने भी मतलब अलग अलग नाम से जो बने हुए हैं वो सब आ जाएंगे। तो लेकिन जो एक पर्टिकुलर नाम है, तो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देख लेते हैं कंट्री। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे कंट्री, कंट्री तो बहुत सारी है, कंट्री तो बहुत सारी, लेकिन हम किस कंट्री में रहते हैं, हम किस में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो कंट्री तो हो गया क्या कॉमन नाउन, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है, इंडिया हो गया हमारा। आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने बोला रिवर, रिवर क्या है, नदी है, लेकिन हमने उसको एक नाम दे दिया, क्या हो गया, गंगा, प्रॉपर नाउन, क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, बच्चों को बस ये अंडरस्टैंड कराना है कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉमन नाउन पूरी क्लास को डिनोट करता है, प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, या फिर आप कह सकते हो पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल के वीडियो में हम जितने भी हमारे जो एक हमने आज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं, कल हम लिख के आएंगे आपके लिए कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।